Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Let me introduce myself. My name is Aiza and my father's name is Rais Ahmed. I am a student of BS English at Himalayas Group of Colleges. Today's my topic is reading an academic article. The first point is the result of the study. In this section, the researcher gives details about the data collected in figures, tables and or graphs. इस हिस्से में, इस सेक्शन में जो वो एक डाटा एक डाटा कलेक्ट करता है, जिसे वो एक टेबल्स, ग्राफ्स और फिगर्स की फॉर्म में आप प्रेजेंट करता है. आइडियली द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा शुड बी कैप्ट फ्रॉम दिस सेक्शन थ्रू दो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आर प्रेजेंटेड. कि इसमें जो है ना, एक डाटा का जो वो प्रेजेंट करता है उसको इंटरप्रेट करता है और फिर जो है ना, इस डाटा का पूरा जायज़ा लिया जाता है, इसका एनालिसिस किया जाता है. द रीडर शुड मेटिकुलसली गो थ्रू दिस मैन्यूस्क्रिप्ट. मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है हैंड रिटन और टाइप डॉक्यूमेंट सेगमेंट एंड डिटरमाइन वेदर द रिजल्ट वर रिलायबल एंड वैलिड. इसमें रिसर्चर देखता है कि जो उसने डाटा प्रेजेंट किया वो वैलिड है या नहीं. वन शुड ऑल्सो ऑब्जर्व वेदर अ करेक्ट स्टैटिस्टिकल टेस्ट वॉज एम्प्लॉयड फॉर एनालिसिस एंड वॉज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट अप्रोप्रिएट फॉर द स्टडी. इसमें वो देखता है कि ये जो रिजल्ट है ये मुनासिब है या इसकी क्या अहमियत है, ये सारा कुछ सही है क्या गलत है. नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्कशन. The article's most essential section is where the researcher questions are answered and the meaning of analysis and interpretation of the data is presented. इस आर्टिकल में ज़्यादातर ये होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं जो रिसर्चर के, उसमें उसको जवाब मिलते हैं जो उसने फाइंड किए होते हैं, और फिर इसको जो है ना, उसका जायज़ा लेता है, इसको प्रेजेंट करता है. नो न्यू डाटा शुड बी प्रेजेंटेड अंडर डिस्कशन एंड नो इंफॉर्मेशन फ्राम अदर सेक्शंस शुड बी रिपीटेड. दूसरे सेक्शन की कोई भी इंफॉर्मेशन रिपीट ना की जाए, और इसमें और कोई दूसरा जो अदर ऐसे जो बेकार डाटा होता है वो इसमें डिस्कस ना किया जाए. दिस सेक्शन ऑल्सो डिस्कसिस द स्टडीज वेरियस स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशन शॉर्टकमिंग्स प्रोवाइडिंग सजेशंस अबाउट एरियाज दैट नीड एडिशनल रिसर्च. इस डिस्कशन में देखा जाता है कि कहाँ ज़्यादा और रिसर्च करने की ज़रूरत है, और ये हमें स्टडी के मतलब उसकी लिमिटेशन और शॉर्टकमिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं. दिस सेक्शन ऑफर्स द मीनिंग ऑफ रिजल्ट्स एंड देयर एनालिसिस. ये सेक्शन हमें रिजल्ट्स का मतलब और इसके एनालिसिस करने के बारे में बताता है. It is important to remember that the discussion are the author's interpretation and opinions and not necessarily facts. ये कहता है कि ये ज़रूरी नहीं कि ये जो रिसर्चर ने आपको डाटा प्रेजेंट किया ये सही है या गलत है, ये सिर्फ उसके थॉट्स हो सकते हैं और उसके जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं. रीडिंग द नेक्स्ट पॉइंट इज रीडिंग द कंक्लूजन अगेन. Though the conclusion part was read at the beginning, reading it at the end is prudent to confirm whether what we had inferred is correct. If the conclusion had not made sense earlier, it might make sense after having perused the entire article. मतलब कि कंक्लूजन में हम पहले भी पढ़ सकते हैं, और इसमें हम देख सकते हैं कि क्या हमने जो पूरी रिसर्च की है क्या ये सही है, इसको कंफर्म करते हैं. अगर ये हमें एक सेंस नहीं देता तो फिर हम इस पूरे आर्टिकल को फिर से दोबारा से पढ़कर हम इस पर काम कर सकते हैं. द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड अंडर वेरियस सब हेडिंग्स ऑफ एन ओरिजिनल रिसर्च पेपर आर प्रेजेंटेड एज अ सिंपल क्वेश्चनेयर बिलो. कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के. कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको उनके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगी. राइटर राइटिंग आंसर टू दिस क्वेश्चंस एंड टेकिंग नोट्स विल हेल्प मी अंडरस्टैंड मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल्स. ये क्वेश्चन लिखने से, इनको इनके आंसर करने से हमें जो हमने रिसर्च किया, जो आर्टिकल बनाया, इसके बारे में हेल्प मिल सकती है.
ओवरऑल व्हाट वाज द आर्टिकल टाइप, आर्टिकल की टाइप क्या थी, व्हाट वाज द टाइटल, आर्टिकल का टाइटल क्या था, हु वर द ऑथर, ऑथर कौन था इसको एक्सप्लेन करने वाला, इंट्रोडक्शन, व्हाट वाज द रिसर्चर प्रॉब्लम्स, रिसर्चर की प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट वर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, ये जो स्टडी किया है इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसका मकसद क्या था, व्हाट वाज द स्टडी रिसर्च हाइपोथेसिस और इस जो स्टडी का जायजा लिया है इसका ये सब क्या था, मटेरियल एंड मटेरियल्स एंड मेथड्स, हाउ डिड द रिसर्चर अटेम्प्ट टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन, कि रिसर्चर ने इसको किस तरह से अटेम्प्ट किया था जो उसने क्वेश्चन रिसर्च किया, हाउ वाज द सैम्पलिंग डन, इसका जो सैम्पल है वो कैसे डन किया था, व्हाट वर द इंक्लूजन क्राइटेरिया, इसका इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या था, व्हाट वर द एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, इसका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या था, व्हाट प्रोसीजर वर फॉलोड, इसके अंदर क्या तरीकाकार, क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया था. That's all from my side. Thank you, sir.